क्या नाम है आपको? हमारा नाम प्रेम सागर मंडल थाली टोला महिला डी। क्या दिक्कत है आपको? कॉलोनी नहीं मिल रहा है और दरखास्त हम दिए हैं मुखिया के पास में। एक दरखास्त मुखिया के पास में दिया तो बोले अभी आपके सूची में नाम नहीं आया है। फिर अभी एक दिन दरखास्त दिया, फिर ऐसे बोला कि ऐसे अब सूची आपको नाम नहीं है। यही बात है, मट्टी के घर है। चलिए ठीक। और एक बात यार है, बोलिए जल्दी बोलिए। और हमारे ऐसे 4 साल से ऐसे मैंने कि ऐसे ये पानी का टंकी ऐसे बना है हम मेरे ज़मीन में, वो ऐसे कोई देखभाल नहीं करता है। और जो बोरिंग में जो मोटर था फाड़ के ले गया कंपनी, और उसको ऐसे अभी तक ऐसे 4 साल से कुछ भी नहीं प्रबंधन हो रहा है। चालू कीजिए। हो गया। जम्मू जिले से सोनो प्रखंड के लिए दैनिक लाइव न्यूज 24 से मैं चंद्रदेव बनवाल। अभी मैं प्रखंड मुख्यालय सोनो से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर बेलंबा पंचायत के खाड़ी गांव में हूँ। यहाँ पे काफी संख्या में लोग जुटे हुए आप देख सकते हैं, काफी महिला पुरुष शामिल है। किन्हीं का इंदिरा आवास नहीं है, किन्हीं का पीने का पानी नहीं है, किन्हीं का राशन कार्ड नहीं है, जिस कारण से इन लोगों का राशन भी उपलब्ध नहीं होता है। और काफ़ी महिलाओं लोगों का कहना है कि इंदिरा आवास के लिए चाहे मुखिया हो या इंदिरा आवास सहायक हो 10,000-20,000 करके मांग करता है, जिस कारण से ये सभी घर पुराना है, इनका इंदिरा आवास नहीं बन पा रहा है। और अब इसके लिए देखते हैं पदाधिकारी वगैरह से बात करते हैं क्या वो करते हैं, फिर हम आप लोगों से बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर है? खाड़ी। पंचायत कौन पड़ता है? बेलंबा। क्या दिक्कत है आपको? हमको पति नहीं है सर, हम विधवा है। कोई भी कमाने वाला ना है। अच्छा ठीक। एगो लड़का है 5 साल के। ठीक। और खाते हैं कमाते हैं। तो आप लोग जो भीड़ यहाँ जुटे हुए क्या कारण है? और हमको घर है टूटल फटल। अच्छा। रहेगी एक गोटी व्यवस्था ना है सर। ठीक। घर पूरा चुभता है सर। ठीक। तो क्या चाहते हैं आप? इंदिरा आवास चाहिए। ठीक है, तो इंदिरा आवास चाह रहे तो उसके अच्छा कैसे होगा? उसके लिए कहीं लिख पढ़ के दिए हैं, किसी से बात किए हैं? दिए है मान नया मुखिया। हाँ, तब क्या बोला वो? पैसा मांगता है 10,000, तो हम कहाँ से पाएगा? हमें खाए ठगाने ने, हम कहाँ से देंगे सर? ठीक है, आप बोलिए, आपका क्या नाम हुआ? रमिया देवी। हाँ, क्या हुआ आपको? हमको घर नहीं है, इंदिरा आवास को खोजते हैं। अच्छा ठीक, खोजते हैं तो उसके लिए आप संपर्क किए मुखिया से या और गाँव बार लिखे दिए मुखिया जी, नया मुखिया जी। अच्छा, तो कुछ ना हुआ? क्या बोला वो? क्या होगा कहेगा आपको दिखाइए काम से घर में दिलाई है, ऐसा बोल दिया ना दिए छोड़ दिए। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? कौन गांव घर है? माटी के घर है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं इंदिरा आवास। अच्छा, तो कैसे मिलेगा? उसके लिए कहीं दिए हैं, संपर्क किए हैं? किसे? मुखिया जी। क्या बोला मुखिया जी? पैसा मांगा। कितना? 10,000 पैसा मांग रहा है। क्या कह के मांगता है? पैसा दो तो। पैसा दो होता। अच्छा ठीक। हम कहाँ दिए, हमारे बेटो ना है। अच्छा ठीक। क्या नाम हुआ आपका? विनोद मंडल। कहाँ घर है? ठाड़ी। पंचायत कौन है? बेलंबा। क्या दिक्कत है आपको? हम लोग का माटी घर है सर जी, हम लोग गरीब आदमी हैं। ठीक। कमाते हैं तो खाते हैं हम लोग, अगर मुखिया ही जाते हैं, सरपंच ही जाते हैं, वार्ड सदस्य ही जाते हैं, इंदिरा सहायक ही जाते हैं, जिधर भी जाते हैं सर कागज लेकर के, सभी 10,000-20,000-30,000 रुपया मांगते हैं तब देते हैं। हम लोग कहाँ से देंगे सर? हम लोग कमाने वाला आदमी है, हम किसी का अगर नहीं तो लेते हैं। तो रुपया कौन मांगता है सर? वार्ड सदस्य मांगता है, मुखिया मांगता है, इंदिरा सहायक मांगता है। हम लोग 4-5 बार कागज दे चुके हैं सर, अभी तक सब कागज पेंटिंग में पड़ा हुआ है। चलिए ठीक। आपका क्या नाम हुआ? उषा देवी। क्या दिक्कत है आपको? कॉलोनी। कॉलोनी नहीं है। अच्छा ठीक। तो कॉलोनी के लिए आप लिख पढ़ के दिए हैं कहीं? कहाँ दिए हैं? क्या बोला वो? पैसा मांगता है 10,000-15,000, पैसा दो तो काम करेंगे। चलिए ठीक। बोलिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश मंडल जी, ग्राम ठाड़ी का है। ठीक। क्या दिक्कत है आपको? इंदिरा आवास को लिए मुखिया जी पास गए, नियाज को पास, वो बोला कि आधार कार्ड और राशन कार्ड का जरूर दीजिए, लगा के दिए। ठीक। आज तक कोई सुना नहीं किया है,
एक बार हो गया, दूसरा बार फिर गए, फिर मंगा, फिर दिए, आज तक नहीं कोई सूचना किए है, फोन किए तब। कितना कितना दिन पहले दिए थे आपका घर? साल भर के पहले दिए, अभी देने से 6 महीना हो रहा है, 100 साल भर हो रहा है, उसके पीछे पीछे सब कॉलोनी बन गया, मेरा इंदिरा आवास अभी तक नहीं आया है। चलिए ठीक है।